नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर है आप लोगों के आगे, और इसमें हम लोग कंप्लीट जीएस रिवीजन जो हम लोग देख रहे थे उसका ये 8वां लेक्चर है। कंप्लीट जीएस रिवीजन, जो कि बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर अगर आप जो जीएस के क्वेश्चन देखते हो, खास तौर से वो किस लेवल के होते हैं, वो होते हैं पीसीएस से लेके और टीचर के किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप उन परीक्षाओं को अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगातार वो परीक्षा में आते रहे हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब तक हमने इसके 7 लेक्चर ले लिए हैं। आप अगर आपने नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, चैनल पर भी लेटेस्ट में वही लगा हुआ है और ये 8वां लेक्चर आप लोगों के सामने है। चलिए अब इसकी शुरुआत हम करते हैं ट्राइब्स से। भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि जिसमें से क्वेश्चन लगातार आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। जनजातियां मतलब खास तौर से ऐसे जन जो जंगलों में या ऐसे क्षेत्रों में निवास करते थे, पिछड़े क्षेत्रों में, उन जगहों उन स्पेशल स्पीसीज को जनजातीय ट्राइब कहा जाता है। भारत में अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब 8%, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग 8% के आसपास भारत में शेड्यूल ट्राइब की संख्या है कुल जनसंख्या के हिसाब से। और इसमें किस स्टेट में कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है, ये क्वेश्चन आता है। तो फटाफट देखते हैं हम लोग, स्टार्ट देखेंगे इसको नीचे की ओर से, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दक्षिण भारत से अगर कुछ स्पेशल ट्राइब की बात करें तो मलैया, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में मलैया। उसके बाद टोडा भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, टोडा। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए मोपला, केरला में, मोपला के ऊपर खूब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कुलम्बा, टोडा देखो इन्होंने नीलगिरी के क्षेत्र में दिया हुआ है। टोडा बेसिकली अगर नीलगिरी का रीजन आए तो ठीक है, अदरवाइज तमिलनाडु भी आप सेफली लगा सकते हैं। ये जो रीजन दिया हुआ ना, ये यहाँ पे टोडा दिया हुआ है, ये नीलगिरी का है, जिसमें कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का बॉर्डर के आसपास का इलाका है वो, ठीक है। तो उस जगह पे टोडा आता है, लेकिन टोडा में क्वेश्चन कई बार तमिलनाडु को लेकर पूछा गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, कुलम्बा हो गया, टोडा हो गया, इधर जरा एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। ये हम देख रहे हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में आप लोगों को जारवा, बहुत फेमस ट्राइब है। इसके साथ साथ सेंटलीज, ओंग, ये कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछी गई। सेंटलीज, ओंग, शैम्पेन होगा इसमें, शैम्पेन इन लोगों ने नहीं लिखा है तो शैम्पेन इम्पॉर्टेंट है, 1, 2, 3 और शैम्पेन भी हो गई है। इसके बाद अगर इधर हम थोड़ा सा के देखते हैं, इन लोगों ने एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत की जो सबसे बड़ी ट्राइब है, भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो कौन है? गोंड है। कौन है? गोंड। ये भी आंध्र प्रदेश में, आपको तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं गोंड। एक प्रकार से बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी जनजातियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हम केरला, तमिलनाडु के बाद हम अंडमान निकोबार के बाद चलते हैं यहाँ पे कर्नाटक में। कर्नाटक में कुर्गी, उसके बाद पनियान, कुर्गी, पनियान, ये हो गया। पनियान के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आंध्र प्रदेश से अगर हम देखें तो बंजारा, उसके बाद यलकाला, तेलंगाना में चेंचू। पीसीएस में पहले जो क्वेश्चन आए थे 2014 से पहले, तो चेंचू को लेके आंध्र प्रदेश बोलते थे, लेकिन अभी स्पेसिफिकली इन्होंने तेलंगाना शो किया है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तो भी आप इसको चेंचू के लिए आंध्र प्रदेश भी देख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अब चेंचू को तेलंगाना में दिखाया जाता है। इसके साथ साथ उड़ीसा का अगर रीजन देखिए, यहाँ काफ़ी जनजाति आपको देखने को मिलेगी। खोंड, सओरा, नाम सुनते रहिएगा, सओरा, मुइया, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुइया, वोंडा, वोंडा, कोया, भूमिज, ये सारी जो जनजाति हैं आपकी उड़ीसा की हैं। पश्चिम बंगाल में संवाल, हजोंग, ये यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे तो त्रिपुरा में रियांग, रियांग जनजाति, और नौशिया जनजाति हो गई। उसके बाद मिजोरम में लुशाई, बहुत फेमस है, क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। मिजोरम में लुशाई और मिजो दोनों के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कुकी जनजाति मणिपुर की है, बहुत फेमस है, इनके आंदोलन भी हुए थे। फिर बोडो, ये असम वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ थोड़ा सा ना धुंधली है चीज़ें, इसमें सही से वर्ड समझ में नहीं आ पा रहे हैं। देखो डफला, ये अरुणाचल में है। फिर अबोर अरुणाचल में है।
ये मुझे थोड़ा सा इसमें समझ नहीं आ रहा, तिग्गी लिखा हुआ शायद क्या, इसको कन्फ्यूज़न है। मैं बाद में इसकी जो पिक है वो अलग से टेलीग्राम में डाल दूंगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो पूछी गई परीक्षा में, और भूटिया बहुत फेमस फुटबॉलर हमारे रहे, बाइचिंग भूटिया सिक्किम, ठीक है। उसके बाद शेरपा ट्राइब, शेरपा बहुत जो गोरखा में देखा जाता है, गोरखा लैंड वाले एरिया में भी, तो ये शेरपा खास तौर से देखे जाते हैं दार्जिलिंग के हिस्से में और सिक्किम के हिस्से में, तो पास के लगे हुए हिस्से, तो सिक्किम के साथ हम लोग चलेंगे। बिहार में फेमस बन जनजाति है बैगा। उसके बाद झारखंड में बहुत फेमस है, खूब कुछ ना है झारखंड में, संथाल मुंडा ओराव है ना, संथाल मुंडा ओराव और हो जनजाति। झारखंड में भी काफ़ी आदिवासी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी आदिवासी क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की अगर बड़ी जनजातियों में देखें तो गोंड, कोल और बंजारा। राजस्थान की तरफ अगर देखें तो मेराथ, गरासिया, भील बहुत बड़ी जनजाति है, पहला दूसरा नंबर चलता रहता है इनका भील और गोंड का। सहरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीणा जनजाति फेमस है, पता होगा आप लोगों को। हरियाणा में कोई ट्राइब नहीं है, पंजाब में भी ट्राइब ना के बराबर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में थारू सबसे बड़ी जनजाति है, तराई रीजन में मिलती है, जो तराई का रीजन है, गोंडा बहराइच इधर लगा हुआ पूरा तराई के क्षेत्र में। फिर थारू जनजाति है, फिर एक खरवार जनजाति भी आपको पूर्वांचल में मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती होगी। इसके अलावा अगरिया, ये भी उत्तर प्रदेश में फेमस जनजाति है। जौनसारी जनजाति बहुत फेमस है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी ट्राइब भी है। जौनसारी, बुक्सा और भोटिया, ठीक है। परीक्षा में खूब ये ट्राइब्स पूछी गई, खूब पूछी गई भाई, ठीक है। यहाँ हो गया। गुजरात में अगर आप देखेंगे डाफर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना आपको, डफला अरुणाचल में है, डाफर गुजरात में है। इसके बाद भील भी है यहाँ पे, कोल भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पटेलीपा ये है, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि पटेलीपा बहुत परीक्षा में पूछा नहीं गया, नाम से भी अंदाज़ा पता लग जाएगा आपको। अगर हम बात करें, इधर हो गया, हाँ, मेघालय की अगर बात करें तो अंगमी, वो गारो खासी जो ट्राइब है वो मेघालय में मिलती है, और पहाड़ियाँ भी हैं तो उसके नाम से आपको याद रहेगा। अंगामी ये भी मेघालय में मिलेगी, अंगामी, ठीक है। और ये हो गया नागा, आपको नागालैंड में मिलेंगे, तो यहाँ के लगभग हम लोगों ने देख लिए, इधर के भी देख लिए। इसके बाद हम देखें तो केरला में एक और देखो, कावर केरला में, और इम्पला ये भी केरला में मिलेगा। फिर श्रीलंका में एक विद्दा व, ठीक है, ये हो गया। तेलंगाना वाला चेंचू पेपर में आया हुआ है, देख लिया। कोडाकू ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलता है, कोडाकू ये इम्पोर्टेंट है। इतने सारे से काम लगभग चल जाएगा। अब यहाँ ऊपर आते हैं, डोगरा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दिखते हैं डोगरा। उसके बाद गुज्जर गद्दी हिमाचल प्रदेश में, बकरवाल भेड़ चराने वाले, जो भेड़ बकरी चलाने वाले, ये जनजाति है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में देखेंगे आपको काफ़ी। उसके बाद चांगपा लेह लद्दाख में, सिम्पी ये भी लेह लद्दाख में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो गया, आगे चलते हैं अब इसको। कुछ और क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, ट्राइब पे क्वेश्चन आपको लगभग पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पता ये सेशन को हम लोग मिक्स करके करते हैं रिवीजन के रूप में, ताकि एक चैप्टर ही आगे, एक सब्जेक्ट ही आगे ना चले। हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी कार्रवाई किस लैंग्वेज में होती है? इसकी कार्रवाई इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, है ना, इंग्लिश भाषा में होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 348 में, ठीक। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो जजेस होते हैं, उनके वेतन और पेंशन कहाँ से आता है? खूब कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके वेतन कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। जो हाई कोर्ट होते हैं उनके स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, और पेंशन जो होती है केंद्र की संचित निधि से आती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वेतन और पेंशन दोनों केंद्र की संचित निधि से आती है। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। हाई कोर्ट स्टेट के लिए, तो सैलरी स्टेट से आएगी, स्टेट की संचित निधि से, लेकिन पेंशन ऊपर से आएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सब सेंट्रल लेवल पे है, तो पेंशन और सैलरी दोनों CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के स्वरूप में बदलाव की शक्ति किसके पास होती है? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन स्टेट पे आता है, क्या स्टेट कोई हाई कोर्ट में बदलाव कर सकता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर विधानसभा के प्रेरोगेटिव में है ही नहीं। तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के स्वरूप में बदलाव करने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी,
किसके पास होगी? संसद के पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव विवाद, ये पिछले साल ये क्वेश्चंस काफ़ी हुआ था है ना MLC को लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन हाँ आपको ध्यान देना होगा कि विधान परिषद बहुत से राज्यों में है, वहाँ के जो चुने हुए सदस्य हैं वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या ऐसा क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, विधानसभा या विधान परिषद अगर वहाँ है तो। इसके बाद देखते हैं संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है, हमारा जो प्रियम्बल, हमारा जो उद्देशिका है प्रियम्बल, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, संशोधन ऐसे लिखेंगे है ना, अमेंडमेंट। संविधान की उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो संशोधन था इससे संबंधित है वो, और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत हमारी उद्देशिका में समाजवाद मतलब सोशलिस्ट वर्ड डाला गया है, पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्म की, इस स्टेट का कोई अपना एक धर्म नहीं है, ठीक है। इसके बाद उद्देशिका में प्रमुख शब्दों का क्रम क्या है, जो अगर देखा जाए तो कि ये एक बार ये पूछा गया था कि हमारे उद्देशिका में कौन सा शब्द पहले लिखा हुआ है, प्रभुसत्ता संपन्न सॉवरेनिटी, समाजवाद सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब वो व्यवस्था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाती है जहाँ का जो सर्वोच्च पद है वो जनता के द्वारा चुना जाए, जैसे भारत का राष्ट्रपति। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है बस, क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद क्वीन या क्राउन के पास होता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी धर्म समान है, इंडिया एज ए नेशन का अपना कोई धर्म नहीं, ना वो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, कोई धर्म नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सभी धर्म हमारे लिए बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उद्देशिका की सोच कहाँ से लाई गई, उद्देशिका की सोच कहाँ से लाई गई मतलब कहाँ से सोचा गया, सिंपली USA से लिया गया है, USA से लिया गया है। तक खतरनाक क्वेश्चन बनता है इसमें कि जिसकी जो इसका थीम है ये USA से है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, दो जगह कई बुक्स में अलग अलग दिया हुआ, कहीं USA दे दिया, कहीं ऑस्ट्रेलिया दे दिया गया, तो बात ये है। अब देखिए एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन किड को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366 में, आर्टिकल 366.2 में बताया गया है कि इसके तहत यदि किसी व्यक्ति के पिता होंगे, के पिता अगर ब्रिटिश होते हैं और माता भारतीय मूल की होती तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक। अभी तो इस आर्टिकल के तहत ये बदलाव आ चुका है, इसको छोड़िए, ये ध्यान देना हमें जरूरी है एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन क्या है, कि पिता ब्रिटिश मूल का होना चाहिए। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, मुख्य रूप से थ्री लेवल की, उत्तर प्रदेश में भी इसके चुनाव भी चल रहे हैं है ना, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल, फिर जिला पंचायत, ये होता है। तो कहीं कहीं पर ना सिर्फ दो लेवल ही रखा जाता है, एक लेवल को हटा दिया जाता है, सिंपल, एक जिला स्तर और एक ग्राम स्तर पर। ऐसा कहाँ होता है, जहाँ पे जनसंख्या 20 लाख से कम होती है। सुनो, पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, थ्री टियर सिस्टम है, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर होते हैं। जहां 20 लाख से कम आबादी हो वहां ब्लॉक पंचायत खत्म हो जाती है। अब अगर देखें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षा में आए हुए हैं। ये वीडियो आपको तब फायदा करेगी जब आप लोगों ने कभी ना कभी बुक खोल के पढ़ाई की होगी। ये वीडियो आपको इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये रिवीजन पर्पसेस से है, तो रिवीजन के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ये सब तो मुझे पहले आता नहीं था, पढ़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि अगर आपको रिवीजन के मोड में है तो इसको देखिए, अदरवाइज हमारी जो कंसेप्चुअल वीडियोज हैं बहुत सारी हैं, प्लेलिस्ट में देखेंगे वो देखिए। सन 2004 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार फिक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, सेंटर में और स्टेट में, राज्य और केंद्र में मैक्सिमम कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, जितने हाउस की कैपेसिटी है उसका 15%। मान लीजिए किसी राज्य की टोटल सीटें हैं विधानसभा में 100, तो भैया 15% ही वहाँ आपके मंत्री बन सकते हैं। और अगर बात आती है यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेशों की, और जहाँ पे चुनाव होते हैं जैसे दिल्ली हो गया या पौंडुचेरी, तो वहाँ सिर्फ 10% ही। तो जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं तो मैक्सिमम 7 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा 96-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में 96 मंत्री हो गए थे, है ना,
तो इन सब टाइप की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए दिल्ली का उदाहरण मैंने दे दिया है ना, 15% और 10%। अनुच्छेद 213 के बारे में मुझे बता दीजिए, अनुच्छेद 213 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 213 स्टेट, अनुच्छेद 213 अध्यादेश से संबंधित है, अर्थात गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति इस अनुच्छेद के तहत मिलती है। इसको ऐसे याद रखिए, ऑर्डिनेंस आपको पता है क्या होता है, कि जब भी संसद काम नहीं कर रही हो या जो भी वहाँ का विधानमंडल है वो काम अगर नहीं कर रहा है और कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, तो गवर्नर राष्ट्रपति के पास, केंद्र की उस तरह बात करूँ, मान लो जब संसद नहीं लगती है और अचानक किसी कानून की नीड हो जाए, तो राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और तुरंत से कानून लागू कर देते हैं, है ना। इसको अध्यादेश ताकत कही जाती है। संसद राष्ट्रपति की ये ताकत 123 आर्टिकल में 123 में। इसी प्रकार की स्टेट में अगर कानून की जरूरत है तो वहाँ का राज्यपाल जो है वो अध्यादेश ला सकता है, वहाँ का राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है आर्टिकल 213 के तहत। तो वही बात है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उसके छः सप्ताह के अंदर आपको ये ऑर्डिनेंस पास कर देना होगा संसद, अपने विधानमंडल से, चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभा हो। ठीक, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे हम बोले, आगे बनते हुए देखते हैं क्वेश्चन को, 352 क्या कह रहा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, 352 आपातकाल, 352, 356, 360, ये तीन आपातकाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरजेंसी प्रोविजन बोलते हैं इसको, आप लोग देख रहे होंगे मेरा ध्यान बार बार बट रहा है, पता है क्यों यार, रूम में एक छिपकली घूम रही है और मुझे छिपकलियों से बड़ा डर लगता है, तो मैं पूरी तरह से अलर्ट हूँ कि मेरे पास ना आ जाए, और इसी डर में मैं आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हूँ। आई होप आप लोग मेरे वियर्ड एक्सप्रेशन को अब समझ रहे होंगे क्या रीज़न है, बिकॉज मुझे वाकई में बहुत डर लगता है यार, लेकिन अब क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, छिपकली नहीं मानेगी। चलिए आर्टिकल 352 क्या होता है, आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी। हमारे पास तीन बड़े आर्टिकल हैं जो कि देश में इमरजेंसी की बात करते हैं। 352 है जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अगर कुछ विशेष परिस्थितियाँ हों, कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, या कोई विदेशी देश हमारे पे आक्रमण कर दे, या देश में सैनिक विद्रोह हो जाए, है ना, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो हमारे पे हम आपातकाल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति इसके पे आपातकाल लगा सकता है। तो इसके लिए आर्टिकल 352 को यूज़ किया जाता है। पहले जो था वो था कि वर्बली ऑर्डर पे भी, वर्बली ही अगर मंत्रिपरिषद ने ऑर्डर दे दिया राष्ट्रपति को, मतलब सलाह दे दी, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा दे सकता था। लेकिन बाद में जो 44वां संशोधन हुआ, क्योंकि 1975 में ऐसी इमरजेंसी लगी थी ना, भारत में तो तीन बार इमरजेंसी लगी है, 1962, 1971 और 1975 में, तो 44वें संशोधन में कर दिया गया कि भैया आंतरिक अशांति, पहले क्या व्यवस्था थी, पहले ही व्यवस्था थी कि देश पे अटैक हो जाए या देश में आंतरिक अशांति हो जाए, है ना, या कोई ऐसी व्यवस्था तो एक प्रकार से डेवलप होने लग जाए जो कि देश के सुरक्षा के लिए सही नहीं है, तो यह आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन बाद में इसको बदला गया, तो भैया अब आंतरिक अशांति वर्ड की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को यूज़ किया गया, ताकि सिर्फ किसी बहाने पे इमरजेंसी ना लगाई जा सके देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला समय होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब सशस्त्र विद्रोह जो है होगा तभी आपातकाल लग सकता है, आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल नहीं लगेगा, और विदेशी अगर आक्रमण हो सकता है तो लग ही सकता है, ये आर्टिकल 352 है। इसी प्रकार से आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, अगर किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है तो गवर्नर जो है वो अपनी फाइल या रिपोर्ट बना के देता है, उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, अगर देश में कोई वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाए, बहुत बड़ा ऐसा हो जाए कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाए, तो उस केस में आपातकाल लगाया जा सकता है, भारत में इस तरह का आपातकाल नहीं लगा है। अब चलिए ये क्वेश्चन, महान्यायवादी और इसको वोट देने के ऊपर बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल मतलब भारत सरकार का वकील, इसके वोटिंग राइट के बारे में बात क्या करें। देखिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है, मतलब राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं और जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो पद पे रहेगा, ये होता है प्रसाद पर्यंत का मतलब। ठीक है, इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये पार्लियामेंट की बैठक में हिस्सा लेता है, ठीक है ना, इसीलिए बात हो रही है यहाँ पे, ये पार्लियामेंट की बैठक में हिस्सा ले सकता है लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है,
मंत्रिपरिषद का ये स्वरूप होता है, हिस्सा होता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको असिस्ट करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है ना। शिक्षा का विषय, शिक्षा का विषय क्या है? शिक्षा का विषय आपको आपने देखा होगा, ये दोनों राज्य, केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों में आपको शिक्षा का विषय देखेगा। हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा हुआ है, कुछ ताकतें राज्यों को दी गई हैं, कुछ ताकतें केंद्र को दी गई है। ताकत कैसे मिलती है कि इन इन विषयों पे केंद्र कानून बना सकता है, तो वो ताकत राज्यों के केंद्रों के पास, जिन विषयों पे जहां कानून बन सकता है वहीं उनकी ताकत मानी जाती है। तो केंद्र राज्यों में शक्ति का बंटवारा हुआ है, केंद्र सूची में उन विषयों का उल्लेख होता है जो केंद्र के अंतर्गत आती हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है। राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट में उन विषयों का उल्लेख होता है जो राज्य के पास जो ताकतें होती हैं और उस पर वो कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची जो होती है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विषय होते हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। तो एजुकेशन भी उसी प्रकार का एक ऐसा विषय है जो कि केंद्र भी और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। आप देखेंगे भारत सरकार के भी विद्यालय हैं और राज्यों के भी विद्यालय हैं, है ना। तो 42वें संशोधन के तहत शिक्षा के विषय को राज्य के विषय से हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम आगे चलें, भारत एक क्वाशी फेडरल स्टेट है, ये कथन किसका है? भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, ये कथन था केसी वियर्स का, इम्पॉर्टेंट है। क्वाशी फेडरल क्या है? मतलब कि अमेरिका एक पूरा फेडरल स्टेट, पूरा फेडरल नेशन है। वहाँ मतलब राज्यों को फेडरल नेशन उसको बोला जाएगा जहाँ पे राज्य एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक देश होता है, उसके अंदर राज्य होते हैं और राज्यों को पूरी अपने अकॉर्डिंग काम करने की आज़ादी होती है। भारत भी ऐसा ही है, भारत भी एक संघ है, राज्यों का संघ है और राज्यों को पूरी अपनी स्वायत्तता है। लेकिन सम पॉइंट ऑफ टाइम पे भारत के संविधान में ऐसी ताकतें हैं कि ज़्यादातर पावर जो है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट की गई है, तो विशेष परिस्थितियों में केंद्र के पास ज़्यादा ताकत आ जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता तक का प्रावधान है, आप देख रहे होंगे। इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई बिहार का नागरिक होगा ना, सब इंडिया के नागरिक होंगे। तो इंडिया एक संघ का स्वरूप तो है लेकिन पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं है, अर्धसंघीय है ना, क्वाशी फेडरल है, क्योंकि कई जगह पे ये एकात्मक व्यवस्था यूनिटरी स्वरूप में दिखता है। इसीलिए भारत में जो केंद्र है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत किया गया है, जबकि फेडरल व्यवस्था में संघात प्योर संघातों की व्यवस्था में राज्यों के पास पैरल ताकत होती है बिल्कुल। ठीक, चलिए भारत और अमेरिका में क्या समानता है? भारत अमेरिका में काफ़ी समानता, संविधान को लेकर बात करें, भारत और अमेरिका में पॉकेट वीटो है जो राष्ट्रपति की ताकत के पास ताकत होती है। जैसे कि भारत अमेरिका के, ये राष्ट्रपति की बात हो रही है क्या? नहीं, सब जनरल। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है, मतलब वो चाहें तो कोई बिल पे अगर उनको साइन करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, उनको जेब में रख के लंबे समय के लिए टाल सकते हैं, उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। वैसे भारत में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करने वाली अथॉरिटी है ना, बहुत ज़्यादा पावर उनके पास नहीं है, लेकिन पॉकेट वीटो बहुत उनको ताकत दे देता है। मान लीजिए कोई बिल आया, उस बिल पे उनके पास टाइम फ्रेम की चिंता नहीं होती है, वो बिल को अपने पास रख लेंगे, बोले भाई स्टडी कर रहे हैं, और उसको अनंत काल तक रखे रहेंगे, उस पर कुछ क्लियर नहीं करेंगे। ऐसी व्यवस्था को पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसके साथ साथ अमेरिका में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं जबकि भारत में ये शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं। भाषा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण समितियों के नाम बताइए, भाषा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और इसको इसीलिए मैं अलग से कराने की कोशिश करूँगा या इसी में करा दूँ, चलो अगली कमेटी में करा देंगे, अगली क्लास में करा देंगे, अभी मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं लगी तो क्षमा करिएगा, अगली वीडियो ज़्यादा अच्छी भी लेके आऊँगा। ठीक है, अभी 100% मेरा फोकस आपके साथ साथ इनके ऊपर भी था, छिपकलियों के ऊपर भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।